एक सास बहू थी और बहू सास जो है बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन बहू जो है वो नहीं करती थी, बड़ी फूहड़ थी, उठते ही वो खा पी लेती थी। तो जीवतिया माई का पूजा आया तो सास बोली कि देखो आज कुछ छूना नहीं है तुम्हें, तुम बिल्कुल कुछ नहीं छूना और कुछ भी खाना नहीं, आज जीवतिया का व्रत है। तो बोली ठीक है माँ जी, मैं कुछ नहीं छूँगी और कुछ नहीं अरे करूँगी। सास चली गई जहाँ जीवतिया माई का पूजा हो रहा था, वहाँ चली गई तो बहू थोड़ा सा आटा छुपा के अपने अपने आँचल में गठिया ली और लेके गई। जब सब पूजा पाठ करके हवन वन करके गुड़ घी का हवन हुआ, जब करके सब चले गए तो क्या करी कि वो आटा जो ली थी वो गूँथ ली, पानी लेकर के गूँथ के वहीं जो आग में हवन हुआ था उसी पर बाटी बना करके वही हवन वाला जो गुड़ था उसको निकाल करके वो बाटी और गुड़ घी खा ली। खा ली, गणेश जी भगवान सब देख रहे थे, वो माथे पर हाथ रख लिए, माथे पर हाथ रख लिए। उसके बाद जब सारी जनता देखने लगा कि गणेश जी का हाथ माथ पर कैसे चला गया, तो बोले कि जो भी गणेश जी का हाथ उतार देगा उसको राजा ऐलान कर दिए कि राजा बोले जो गणेश जी का हाथ उतारेगा उसको मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। तो सब प्रयास किए, सब हाथ खींच रहे हैं, गणेश जी का हाथ तो उतरे ही ना। फिर क्या हुआ कि वो बहू सुनी, बोली माँ जी हम जाते हैं गणेश जी का हाथ उतार देंगे। तो बोली फूहड़ कहीं के खाती पीती रहती है, दिन भर पूजा पाठ करती नहीं है, अब ये जाएगी बताओ गणेश जी का हाथ उतार देगी। तो बोली हाँ माँ जी हम हाथ उतार देंगे। तो राजा को संदेशा कहला दो, राजा को संदेश गया, वो पालकी आई उसके लिए, पालकी पर बैठ करके वो गई, बोली गणेश जी का जो मंदिर के सामने ही पूजा हुआ था, तो बोली यहाँ से पर्दा आप खींच दो, जब तक मैं हाथ न उतार लूँ तब तक आप लोग पर्दे के अंदर नहीं आना। सबको बोल दी, सब बाहर खड़े हैं, वो अंदर गई, बोली हे गणेश जल्दी से हाथ नीचे करो। एक बार बोली गणेश जी हाथ नहीं नीचे किए, दोबारा कही हे गणेश हाथ नीचे करो, फिर भी नहीं किए। तिवारा फिर कही कि हे गणेश अगर नहीं हाथ नीचे उतारते हो तो मैं यहीं हग दूंगी, और साड़ी उठाने लगी। गणेश जी झट से हाथ नीचे कर लिए कि अभी तो यही बेकार कर देगी। गणेश जी हाथ उतार दिए और फिर जो है राजा सुने कि अरे ये तो औरत हाथ उतार दी गणेश जी का, अपना आधा राज और पाट उनको उसके बहू को मिल गया। तो ऐसे ही हैं गणेश जी, जो सच्चे भावना से सच्चे मन से पूजा पाठ करे वो पूजा है, ना कि दिखावा पूजा है। बोलिए गणेश जी की जय। जैसे उनका भला हुआ गणपति बप्पा सबका भला करें, बोलो गणपति बप्पा की जय।